करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर ग्रामीण से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। बदमाशों ने गैस कटर से शटर काटकर एटीएम से नकदी उड़ाई, ये बड़ी अपडेट जयपुर से। जयपुर ग्रामीण से डेयरी की दुकान में एचडीएफसी बैंक का एटीएम लगा हुआ था और वहीं पर बदमाशों ने शटर तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लाखों रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए एटीएम तोड़कर। रेनवाल थाना इलाके के अनंतपुरा गांव की पूरी घटना है, जयपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या पूरी अपडेट, किस तरीके से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिलहाल किस तरीके के प्रयत्न इन्हें पकड़ने के किए जा रहे हैं? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एटीएम के अंदर ये लूट की वारदात हुई है वहां पर उस एटीएम पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था और इसी के चलते यहाँ पर बदमाशों को शय मिल गई थी और उसी के चलते उनको मौका मिला और उन्होंने यहाँ पर ये एटीएम को काट करके और यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रेनवाल थाना इलाके के अनंतपुरा गांव की ये मनीषा पूरी घटना है और यहाँ पर एक डेयरी बूथ के अंदर एचडीएफसी बैंक का जो एटीएम था वो लगा हुआ था और इस एटीएम के अंदर 10 लाख करीब 32,000 रुपए की जो रकम है, यानी अभी जो प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई इसमें सामने आया है कि 10,32,000 रुपए की जो रकम थी वो इस एटीएम के अंदर यहाँ पर रखी, इसके अंदर रखी हुई थी। और इसी दौरान यहाँ पर तीन जो बदमाश है वो गाड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ पर आने के बाद गैस कटर से सबसे पहले जब, माफ कीजिएगा, जब एटीएम के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो सीसीटीवी लगा होता है उस सीसीटीवी पर कपड़ा लगा दिया जाता है और ये तीनों बदमाश कपड़ा लगाते हैं, उससे पहले इनकी तस्वीर हालांकि सीसीटीवी के अंदर कैद हो जाती है लेकिन सीसीटीवी में जब तस्वीरें कैद होती है उसके बाद यहाँ पर उस पर कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो उनकी जो तस्वीर है वो कैद ना हो पाए, ऐसा उन्होंने अपना अंदाजा लगाया। और उसके बाद यहाँ पर गैस कटर से इस पूरे एटीएम मशीन को काटा और इसमें 10,32,000 रुपए की नकदी थी उसको लेकर के यहाँ से फरार हो गए। बहरहाल सूचना मिलने के बाद यहाँ पर जो चार थानों की पुलिस है जो मौके पे पहुंची है, चार एसएचओ मौके पे हैं, एडिशनल एसपी खुद मौके पे हैं, सीओ भी यहाँ पर मौके पर हैं, शंकर दत्त शर्मा हैं जो एसपी हैं जिले के, वो इस पूरे मामले की यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर लेकिन ये है मनीषा कि बैंक की तरफ से अभी तक कोई भी कर्मचारी है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, यानी गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पर उनकी कार्यप्रणाली देखने को मिली है क्योंकि 4 घंटे हो चुके हैं जब पुलिस को इस घटनाक्रम का पता लगा, 4 घंटे से पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है लेकिन बैंक कर्मचारी अभी तक नहीं आए हैं और वो किसी भी स्थिति को बताने में अभी सक्षम नहीं है। ऐसे में फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को और खंगाला जा रहा है, साथ में एफएसएल की तरफ से भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं और उसके बाद इस पता चलेगा कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। लेकिन पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश हैं उनकी यहाँ पर तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये जयपुर से बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है, डेयरी की दुकान में एचडीएफसी बैंक का एटीएम लगा हुआ था और बदमाशों ने यहां से नकदी पार कर ली। वारदात के दौरान एटीएम पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोशिश कर रही है बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की।